ये है ब्रेन टेस्ट टू का नया एडवेंचर एमलीस फार्म उसका है ये लेवल वन वेलकम टू फार्म वेक अप एंड स्टार्ट द डे एमिली सो रही है तो उसको हमको जगाना है तो हम कैसे जगाएंगे हमको पहाड़ों के बीच में से कुछ रेज आती हुई दिख रही है तो अगर हम उस सन को ऊपर करेंगे तो सन ऊपर आ गया तो इस हैन कॉक ने कुकड़ू को कु बोला और फिर हमने खिड़की का शटर ऊपर किया तो एमलीस जग गई और हम जीत गए ये एमिलीज फार्म का ये है लेवल टू दिकन एंड द डॉग आर हंगरी अभी डॉग भी हंग्री है और जो पीछे दो तो दिख रहे हैं वो भी हंग्री है तो हमारे पास कोई ऑप्शन है हाँ पीछे कॉन तो दिख रहा है तो हैंड्स तो कौन खाती है तो हम जो पीछे भुट्टे दिख रहे हैं वो पीछे एक हैन को खिलाएंगे दूसरा भुट्टा हम दूसरी हैन को खिलाएंगे और ये जो एमली के बालों में हड्डी पटकी हुई है वो हम इसको डॉग को दे देंगे तो सब हैप्पी हो जाएंगे सबकी भूख मिट जाएगी ये वी विवेन ये है लेवल नंबर थ्री एमलीस फार्म का फाइंड ऑल ऑफ द दिक्स अब हमको सामने तो सिर्फ एक ही चिकन बैठा हुआ दिख रहा है तो इसके आसपास उठा के देखते हैं सबसे पहले इसके नीचे की घास को हटा के देखते हैं कुछ होता है क्या नहीं हो रहा है तो इस चिकन को ही हटा के देखते हैं इसके इस नीचे एक और चिकन इसके नीचे एक और चिकन फिर ड्रैग करके हटाओ फिर अट्रैक करके हटाओ फिर हटाओ और ये हटा ये मिल गए सारे चिकन हमको ये, ये है लेवल नंबर फोर एमलीस फार्म का This morning is quite chilling. शी मस्ट गेट सम्थ अब इसको सुबह सुबह ठंड लग रही है तो उसको वॉम्थ कहाँ से मिलेगी पीछे जो शिप खड़ी है उसकी वूल से मिलेगी उसका वूल निकालने के लिए हमको कुछ चीज चाहिएगी तो हम देखते हैं कि ये डब्बे में से कुछ निकलता है क्या अरे इसमें से तो कुछ बाल कुछ मैचिक और एक कैंची निकली है ये कैंची हमारे काम आ सकती है हम कैंची से शिप के ऊपर ड्रैक करके उसको बार बार ड्रैक करेंगे तो खूब सारी वूल निकल जाएगी और इस वूल को हम एक एक करके एमली के ऊपर रख देंगे तो एमली को ठंड नहीं लगेगी और वो खुश हो जाएगी ये विवेन ये है लेवल नंबर फाइव एमलीस फार्म का देर इज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल द काउस यहाँ हमको सामने तीन काउस दिख रही है और उसके बीच में ये घास फूस दिख रहे हैं सुखी घास अब इन तीन काउस को कैसे खिलाएं है? देखते हैं पहले और घास टूटती है कि नहीं नहीं टूट रही है बकेट में से कुछ है कि नहीं गा, गाय खा नहीं रही है तीनों काऊ तो ये फार्म का ही का जो है स्टैक उसको हमने ड्रैग करा दोनों अपोजिट साइड में वो बड़ा हो गया और और सबकी बुक मिट गई सबका उसकी भी भी मिट गई गई और एमिली खुश हो ये ये वी वेन। ये है लेवल नंबर फार्म का हेल्प हर ग्रो फ्लॉर्स फ्लावर्स फ्लावर्स उगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए हमको सबसे पहले तो पानी चाहिए पर ये देखो ये तो टैप का ऊपर का राउंड राउंड करने के लिए उसका हैंडल तो है ही नहीं तो वो टैप का हैंडल कहाँ घूम गया होगा तो सबसे पहले हमको इस के आसपास ढूंढना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पानी ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है टैप पे ट्रैप करके देखा तो भी नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो हम क्लाउड उठाएंगे तो दिन होगी तो ये काउ को उठाना पड़ेगा काउ उठी ओ इसने अपने नीचे छुपा रखा था नल का हैंडल नल के हैंडल को लगाया गोल गोल घुमाया पानी आया सूरज और पानी से हमारे फूल उग गए ये वेवन ये है लेवल नंबर सेवन एमलीस फार्म का लेट्स मेक अ हैमबर्गर फॉर लंच हमको अब उसका खाना गिर गया तो उसको भूख लग रही है एमली को तो उसके लिए अब क्या बनाया जाए खाने में तो चलो बर्गर ही बना देते हैं बर्गर बनाने के लिए हमको इसके पार्ट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जो ऊपर से फॉल हो रहे तो सबसे पहले नीचे की ब्रेड का पार्ट लिया उसके ऊपर ये हेम लिया और ये तो रॉन्ग हो गया सबसे पहले हम नीचे की ब्रेड लेंगे फिर उसपे स्पिनिज फिर हेम फिर ये टिकिया और फिर ब्रेड की ऊपर की ऊपर वाली डोम शेप की ब्रेड इसके ऊपर हमने हैम के ऊपर टिक्की रखी टिक्की के ऊपर हमने चीज रखी चीज के ऊपर ऊपर वाली बर्गर की बन रख दी ये वी विन हमने एमली को बर्गर बना के खिला दिया उसकी बुक मिटा दी ये वी विन ये है लेवल नंबर एट एमिलीज फार्म का एमिली वॉन्ट्स दीज फ्लावर्स टू ब्लॉसम एक फ्लावर तो है खिला हुआ बाकी के तीन फ्लावर नहीं खिले हुए हैं पर हमको ये हनी कोम दिख रहा है तो इस हनी कोम में से कुछ हनी की ड्रॉप लटक रही है तो हम ये एप्पल्स हटा के देखते हैं पहले तो एप्पल्स दिए एमिली को एमिली खुश नहीं हुई भाई फूल नहीं उगरे तो तो हमने ये हनी का ड्रॉप एमली के पास ला कुछ नहीं हुआ अरे ये तो क्या हुआ हनी भी जैसे हनी ड्रॉप के पीछे आई उसने फूल का कलर ले लिया और बाकी और हम जैसे ही शहद की बूंद बाकी फ्लावर्स के पास ले जाएंगे तो वो हनी भी बाकी फूलों को भी खिलाती भी जाएगी ये विवेन हमने सारे फूलों को उगा दिया ये है लेवल नंबर नाइन एमली फार्म का हे वॉट डेड आई जस्ट टेल स्टॉप दिस प्लीज ये हनी भी तो इसके आसपास ही घूम रही है अब क्या करें इस हनी भी को कैसे भगाए तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्लास ऑफ वाटर उठा के देखते हैं कुछ होता है क्या यानी भी इससे नहीं भाग रही है ये बाउल लगा के देखा कैंडल कैंडल्स के आसपास लगाई आग से भागती तो भी नहीं भाग रही है बॉक्स में से अरे इसमें से तो ये आरी निकली इस आरी से हम इस टेबल को काटते हैं तो ये सामान गिर गया और हनी भी डर के भाग गई पर इससे तो फैमिली का सारा अपना बर्बाद हो गया कोई बात नहीं नया मंगवा लेंगे हमने मधुमक्खी को भगा दिया ये विवेन यह लेवल टेन, फार्म का दे मस्ट गेट टू देयर मॉम्स अब ये शीप के बच्चे और काऊ के बच्चे आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए हैं तो हमको उनको उनकी माओ के पास पहुंचाना है कैसे पहुंचाएंगे ये सामने लीवर दिख रहे हैं इनको प्रेस करके सबसे फर्स्ट नंबर वाला लीवर प्रेस करके देखते हैं उसको टैप करेंगे लीवर को टैप करेंगे तो उससे क्या होगा इनका गेट खुल जाएगा और बच्चे माँ के पास पहुँच जाएंगे फर्स्ट लीवर टैप किया तो ये शीप का बच्चा काउ के पास चला गया ये सोल्यूशन तो रॉन्ग हो गया अब हम सेकेंड लीवर प्रेस करके देखेंगे तो ये तो हॉर्स वाला खुल गया तो वापस अनप्रेस करा थर्ड लीवर प्रेस करके देखेंगे तो कौन सा वाला खुलता है ये देखते हैं आराम से पहले शीप्स को जाने देते हैं थर्ड लीवर खुला तो शीप्स वाली बच्चे शीप्स के पास चले गए फिर वापस उसको प्रेस किया तो वापस वो सेकेंड वाले को प्रेस किया तो काऊ का बच्चा काउ के पास चला गया इस तरीके से हमने लीवर को प्रेस अनप्रेस करके बच्चों को माओ से मिला दिया ये ये है लेवल नंबर फार्म का शी नीड सम हेल्प कलेक्टिंग दी एप्पल्स एप्पल ट्री पे खूब सारे एप्पल्स हैं और उसके बाकेट में उसको बचे हुए एप्पल्स भी डालने हैं पर वो कैसे डालेगी एप्पल्स तो बहुत ऊंचे हैं तो हम एक काम करते हैं पहले टैप करके देखते हैं एप्पल ट्री के ऊपर ही कुछ होता है क्या ये तो कुछ नहीं हो रहा है अब हम काऊ के पास जाके देखते हैं काऊ को आगे पीछे आगे पीछे करके देखते हैं पेड़ को टक्कर मारती है क्या काऊ तो टक्कर नहीं मार रही है अब इस बुल को खोलते हैं ये बुल तो काऊ के पास चला गया इसका मतलब काऊ हम पेड़ के पीछे खड़ी करेंगे तो बुल काऊ के पास जाने के चक्कर में पेड़ को टक्कर मारेगा और सारे एप्पल्स नीचे गिर जाएंगे एमिली खुश हो जाएगी और हम एप्पल्स कलेक्ट कर लेंगे हमने एप्पल्स तोड़ लिए पेड़ पे से ये ये वी विन यह लेवल नंबर ट्वेल्व एमिलीस फार्म का शी नीड्स सम फ्रेश मिल्क अब उसको काऊ के से फ्रेश मिल्क चाहिए तो वो कैसे निकालेगी काऊ तो बहुत गुस्से में लग रही है तो हम पहले इसको ये चारा खिला के देखते हैं चारा तो ये खा नहीं रही है तो अब हम इसका बहुत कोशिश कर ली नहीं खा रही अब हम इसका सर सहला के देखते हैं अच्छे से प्यार से सहलाते हैं ये काम हो गई अब हमने निप्पल्स को ड्रैग करके दूध निकाल लिया ये वी विन हम दूध निकालने में कामयाब हो गए यह है लेवल नंबर थर्टीन एमिलीज़ फार्म का एमिली हर्ड अबाउट अ रेयर रेड स्क्वेरल इन दिस वुड्स। फाइंड इट अब इन वुड्स ट्रीज के अंदर रेड स्क्विरल रहती है कैसे फाइंड करेंगे ये जो नट है वो हम हर ट्री के हो, ट्रंक के होल के पास ले जाएंगे तो उससे स्क्विरल बाहर आएगी ये हमारे लास्ट ट्री के ट्रंक के होल के पास ले गए तो ये तो ट्री नीचे खिसक गया तो ट्री को ऊपर की साइड ड्रैग किया तीन होल और निकले और उस थर्ड होल में से हमारी बाहर आ गई रेड स्क्विरल और हम जीत गए सच में रेड स्क्विरल है एमिली को रेड स्क्विरल दिख गई ये विन यह लेवल नंबर फोर्टीन एमिलीज़ फार्म का लेट्स मेक सम लेमनेड अब एमली को अपने फार्म पे लेमनेड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको पानी चाहिएगा तो ये बकेट वो उसने टैप के नीचे ले जाके रखी और बकेट को पानी से भर लिया टैप पे टैप करके और फिर ये पानी इसने पॉट पे रख दिया पॉट पहले से फायर पे चढ़ाया हुआ था अब उसको लेमन्स चाहिए तो लेमन्स ड्राइक करने से नहीं निकल रहे हैं तो हम फोन को शेक करेंगे तो लेमन्स नीचे गिरेंगे और लेमन्स हम उस पॉट में डाल देंगे और थोड़ी देर बाद हमारा लेमनेड बन के तैयार हो जाएगा आप पी सकते हैं लेमनेड एमली के साथ ये वी विन यह है लेवल नंबर फिफ्टीन एमली फार्म का शी मस्ट ट्रिल द फार्म बट द ट्रैक्टर इज नॉट वर्किंग एमिली के फार्म को ट्रिल करना है पर उसका फैक्ट्री ट्रैक्टर तो काम ही नहीं कर रहा है तो फार्म को कैसे टिल करेगी फार्म को आपस में ड्रैग करके देखा तो टिल नहीं हुआ अरे ये इसके साइड के जो खूटे लगे हुए हैं इनकी रस्सियां तोड़ दी और हम फार्म को उसके ट्रैक्टर के नीचे ड्रैग कर लेंगे तो फार्म टिल हो जाएगा ये हमारे मॉडर्न मेथोलॉजी है हमारी एमली की फार्म को टिल करने की ये विविन यह लेवल नंबर एमली इस फार्म का टाइम फॉर सम रोडियो अब इस घोड़े के साथ उसको राइडिंग करनी है हॉर्स राइडिंग तो सबसे पहले इस घोड़े को हमको चारा खिलाना पड़ेगा तो हमने एक एक करके सारा चारा इस घोड़े को खिला दिया और इस घोड़े में खूब एनर्जी भी आ गई है अब इस एमली का हाथ इसकी रस्सी पे लगाना पड़ेगा आगे ताकि घोड़ा काम हो जाए धीरे से हाथ के ऊपर टैप करो इसके ग्लव्स के हाथ के ग्लव्स के ऊपर उसको ड्रैग करके आगे लाओ और ये काम हो गया और हमने स्टार्ट कर दिया तो ये अच्छे से राइड कर रहा है और एमली भी खुश घोड़ा भी खुश ये, ये लेवल नंबर सेवेंटीन एमली इस फार्म का इट इज टाइम टू हार्वेस्ट आवर कैरेट्स अब इस एमली को ये कैरेट्स उग गई है हमारी खेत में तो इनको हार्वेस्ट करनी है तो जैसी एक एक करके कैरेट उखाड़ेगी और ये तो शैतान बनी ने आके खा ली अब इस बनी से हमको हमारी कैरेट बचानी है ये तो फिर इस बनी ने आके खा ली हमने घास हटाई तो अब हमको घास हटा के बनी का होल पत्थरों के नीचे लगाना है ताकि बनी उसमें से निकले नहीं अब हम आराम से हमारी कैरेट हार्वेस्ट करके बास्केट में डाल सकते हैं एमिली भी खुश हम भी खुश रेबिट है खुश ये वी विन ये लेवल नंबर एटीन एमली फार्म का दिस शीप वंडर्स वॉट इज बियॉन्ड द फार्म अब इस शीप को फेंस की वजह से फार्म की दूर की साइड नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे कुछ सीड्स हम इस सॉइल में डालेंगे और फिर उसके ऊपर पानी डालेंगे उससे पहले हम शीप को वहाँ खड़ा कर देंगे तो जैसे जो पौधा हो ऊपर होगा और शीप भी ऊपर होगी और उसको फार्म का सारा एरिया दिख जाएगा शीप खुश हो गई और एमली भी ये वीवेन ये है लेवल नंबर नाइनटीन एमलीज फार्म का She is so happy to see the snow. But where are the chickens? अब एमली चिकन्स को लेके अपने वरिड हो गए कि भाई स्नो में कहीं कहाँ दब गए उसके चिकन्स। सबसे पहले हमने स्टोन हटा के देखा उसके से चिकन निकला हमने ट्री को शेक करके देखा नहीं हुआ वापस वापस तीन चार बार हमने ट्री को शेक किया या ड्रैग किया उसको तो उसपे से आया स्नो हटी और एक और चिकन दिखा हमने स्पेड़ से हटाया 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 सारी स्नो हटने के बाद बचे हुए दो चिकन भी मिल गए तो हमको टोटल हमारे चार चिकन मिल गए और हमारी फैमिली भी खुश हो गई ये विवेन यह है लेवल नंबर ट्वेंटी एमली फार्म का आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ फार्म वर्किंग शी जस्ट वांट्स टू वॉच टीवी एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी अब क्या करा जाए एमली को तो टीवी देखना है पर बिजली नहीं आ रही है तो आस पास एक गिलास का पानी पिलाते हैं इसको थोड़ा मूड सही करते हैं ये तो स्क्रू से भी सही नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स तो हम कंगे से बाल बना देते हैं एमली के कंगे से बाल बनाया ये बाल बनने के बाद इस कंगे में हमारी स्ट्रेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई वो हमने बिजली के डब्बे के पास ले जाके कंगा रखा तो टीवी ऑन हो गया और एमली हो गई हमारी एमली टीवी देख पा रही है अच्छे से ये विवेन यह है लेवल नंबर ट्वेंटी वन एमलीज फार्म का लेट्स सेलिब्रेट एमलीस बर्थडे विद एन एप्पल केक अब हमारी एमली का आज बर्थडे है और उसको एप्पल केक बहुत पसंद है तो एमिली एप्पल केक बना रही है उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा एक अंडा चाहिएगा हैन अंडा देती है तो एक हाथ से हैन को ऊपर ड्रैग करो दूसरे हाथ से अंडा लाके बोल में डालो अब हमको चाहिएगा थोड़ा मिल्क तो बकेट लेके काउ मिल्क दे रही है मिल्क भी हम इसमें डाल देंगे अब थोड़ा आटा चाहिएगा ये आटा पड़ा है सामने से दो चम्मच आटा डाल दिया अब जो पेड़ पे एप्पल्स हैं वो एप्पल्स ड्रैग नहीं हो रहे हैं तो फोन चेक करेंगे तो एप्पल्स नीचे गिरेंगे और हमने सारे एप्पल्स इसमें डाल दिए और हमारे मिक्सर ग्राइंडर ने अच्छा सारा केक बना लिया एमिली की बर्थडे के लिए ये ये एमिली खुश हो गई उसके बर्थडे पे हम भी खुश हो गए ये विविन लेवल और एडवेंचर खत्म हो गया यहाँ पर